एसडीएमएस फैमिली। सो फ्रेंड्स, 17 मई को एक एसडीएमएस में जो है अपडेट रिलीज हुआ, जिस अपडेट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं जो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो हे गाइस, यह हमारी पहली फेस कैम वीडियो है। सो फ्रेंड्स, दिखाइए आप अपना सपोर्ट इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स की कुछ मैंने पीडीएफ के अनुसार ही इस पे जो है आपको कुछ अपडेट्स की लिस्ट, जो कि 16 अपडेट्स कुछ पीडीएफ के अनुसार आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले होंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस अपडेट्स को इस प्रकार से। जैसा कि अपना पहला रिफिल जो अपडेट आया है वह आपके सामने कुछ यह है। रिफिल ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर इवन इफ देयर आर 3 रिटर्न्स इन केस दे हैव ऑलरेडी बीन पेड ऑनलाइन। सो फर्स्ट अपडेट जो है उसमें जो ऑप्शन जो फीचर्स आए हुआ है कि रिफिल ऑर्डर वितरक के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। रिफिल ऑर्डर जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कैंसिल नहीं किया जा सकता है अभी, भले ही 3 रिटर्न्स पहले से ही ऑनलाइन भुगतान किए गए हो। ओके फ्रेंड्स, अभी जो ग्राहक मोबाइल ऐप जो होगी, जो ग्राहक कस्टमर की मोबाइल ऐप है उसमें जो है अपना जो ग्राहक है वह अपना ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है। अब आप क्रिएट सब्सिडी बटन के माध्यम से रद्द की गई सब्सिडी का एक अलग से रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। द इशू ऑफ सब्सिडी रिकॉर्ड्स क्रिएशन ओनली आफ्टर रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस एफवाई हैज बीन रिजॉल्वड। सो जो सेकंड नंबर पे अपडेट है वह है कि पिछले वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड्स के लिए रिफ्रेश सब्सिडी के बाद जो सब्सिडी रिकॉर्ड्स बनाया जाता था उसका जो मुद्दा है, जो कि ज्यादातर एसडीएमएस यूजर्स को पता होगा, वह मुद्दा जो है अभी सुलझ गया है। और यू कैन नाउ क्रिएट सब्सिडी रिकॉर्ड्स फॉर कैंसल्ड सब्सिडी रिकॉर्ड्स थ्रू द क्रिएट सब्सिडी बटन। और जो थर्ड नंबर पे जो अपडेट है वह है कि अब आप सब्सिडी बटन के माध्यम से जो है क्रिएट सब्सिडी बटन के माध्यम से जो है आप कैंसल सब्सिडीज का एक अलग से रिकॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है यू सब्सक्राइब नेम चेंज अदर एंड नेम चेंज लीगल हायर will only be allowed for domestic customers. So friends, 4 नंबर पे जो है उसका जो हिंदी ट्रांसलेट जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि सब टाइप नेम चेंज ऑफ टीवी अन्य और नाम चेंज लीगल वारिस जो है उसके लिए केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अनुमति दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, जितने भी डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए ही ओनली टीवी नेम चेंज एंड एक्सेट्रा में चेंज हो सकता है, जो लीगली होगा एक वारिस के तौर पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है सिंगल कैश मेमो इनवॉइस फोटो लिंक भी डिस्प्ले। वह देखते हैं 5 नंबर पे जो सिंगल कैश मेमो है। सिंगल कैश मेमो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने शो हो रही है सिंगल कैश मेमो का एक व्यू। सो यह है सिंगल कैश मेमो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि बात की जा रही है यहाँ पे जो है टोटल नीड्स जो है वह यहाँ पे जो है कोष्टक में आपके सामने दिखाई दे रही है, जो 1520 रुपये है जो है दिखाई दे रही है। ऑल रिस्पॉन्स फॉर OMCS इन OMC डेटा कॉल विल नाउ बी लॉग्ड इन डेटा रिस्पॉन्स व्यू बिलो रिलेशनशिप टैब। 6 नंबर पे जो अपडेट है वह है OMC डेटा कॉल में OMCCS की सभी रिस्पॉन्स को अब रिलेशनशिप टैब के डेटा रिस्पॉन्स व्यू में लॉग इन कर दिया गया है। जितने भी OMC डेटा कॉल के तथा OMCS की सभी जो रिस्पॉन्स है उसको रिलेशनशिप टैब के डेटा रिस्पॉन्स व्यू के अंदर लॉग इन कर दिया गया है। In case of CTC, when bank is also present, if Aadhaar verification date is less than latest of Aadhaar sheets and bank sheets date, then system will now take verification date to compare with order delivery date to restrict for create subsidy. Next, 7 number पे जो अपडेट आया है, जो फीचर्स ऐड किए गए वो है कि जब बैंक में उपस्थित हो तो CTC के मामले में अगर आधार कार्ड सत्यापन की तारीख कार्ड आधार कार्ड और बैंक के बीच की तारीख में नवीनतम है तो सिस्टम अब सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए ऑर्डर डिलीवरी की तारीख के साथ तुलना करने में सक्षम है। 8 फॉर असम एंड मेघालय सिस्टम विल ओनली कंसीडर एक्टिव बैंक्स प्रोफाइल ड्यूरिंग रिफ्रेश सब्सिडी। नंबर पे जो अपडेट आया है उसका जो हिंदी ट्रांसलेट है मैं आपको इस वीडियो में हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में जो है इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ कि क्या अपडेट है। सो फ्रेंड्स, 8 नंबर पे जो है कि असम तथा मेघालय प्रणाली के लिए केवल रिफ्रेश सब्सिडी के दौरान जो एक्टिव बैंक्स है उसकी प्रोफाइल पे जो है विचार किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमारे एसडीएमएस के डेवलपर्स है उनका यह मानना है। ओके फ्रेंड्स, जो कि पीडीएफ के अनुसार इसका हिंदी ट्रांसलेट जो कि गूगल ट्रांसलेट के द्वारा किया गया है। द इशू ऑफ डबल रिलेशनशिप क्रिएशन इन केस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ उज्ज्वला रेगुलराइजेशंस केस हैज बीन रिजॉल्वड। सो नेक्स्ट 9th नंबर पे जो है अपडेट न्यू फीचर्स के तौर पे वो है कि उज्ज्वला रेगुलराइजेशंस
मामलों के रिएक्टिवेशंस के मामलों में जो डबल डबल रिलेशनशिप की तुलना थी उसका जो मुद्दा सुलझ गया है, जो डबल रिलेशनशिप क्रिएशन का जो मामला था जो कि उज्ज्वला रेगुलराइजेशन के तहत वह मुद्दा भी सुलझ गया है। चेक हैव बीन पुट इन प्लेस टू नॉट अलाउ रिफ्रेश सब्सिडी व्हेन देयर इज नो एक्टिव अकाउंट प्रेजेंट विद एन उज्ज्वला कस्टमर। सो 10th नंबर पे जो अपडेट है वह है उज्ज्वला कस्टमर के पास कोई एक्टिव बैंक नहीं होने पर रिफ्रेश सब्सिडी की मंजूरी नहीं थी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर के तहत आधार कार्ड वेरिफिकेशन के द्वारा इसे सुलझा सकते हैं। कि 11th में है एफटीसी चालान में कुल अमाउंट का मुद्दा सुलझ लिया गया है। कई सिलेंडरों के चयन के मामले में सही टोटल अमाउंट अब चालान पर ही मुद्रित किया जाएगा। तो पहले जो है चालान पर मुद्रित नहीं होता था, तो इस अपडेट के अनुसार जो टोटल अमाउंट ऑफ है वह चालान पर ही प्रिंटेड होगा। सो द इशू इन एसडीएमएस व्हिच वाज अलाउंग टोटल सरेंडर फॉर उज्ज्वला कस्टमर हैज बीन रिजॉल्वड। 12th नंबर पे जो है वह है एसडीएमएस में जो का एक मुद्दा था वह था कि उज्ज्वला ग्राहकों के लिए टोटल सरेंडर की अनुमति नहीं मिलती थी। सो अभी जो एसडीएमएस जितने भी ग्राहक हैं उनको जो है टोटल सरेंडर की जो है अलाउंस मिल रही है। द रिफंड मैसेज फॉरमेट सेंड टू कस्टमर हैज बीन चेंज्ड टू मेक इट मोर सूटेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो 13th नंबर पे है वह है कि ग्राहक को भेजे गए रिफंड मैसेज फॉर्मेट का आवश्यकता के अनुसार अधिक उपयुक्त बनाने के लिए में बदल गया है। जो कि फ्रेंड्स यह है आपके सामने एक मैसेज फॉर्मेट जिसे आप देख सकते हैं। यह मैसेज फॉर्मेट सो फ्रेंड्स यह आपको अपनी अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं आपको ऐसे प्रिंट आउट भी है मेरे पास ऐसा जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है जो ग्राहक को मैसेज प्राप्त होता है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा है डियर कल्पना मिश्रा द पेमेंट ऑफ रेटिंग से जो है 750 हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट योर ऑर्डर और जो बैंकिंग का क्रेडिट अमाउंट वगैरह जो है इसी के साथ यहाँ पर लिखा है डियर कल्पना मिश्रा एंड रिफंड ऑफ 750 जनरेटेड फॉर ऑर्डर और ये ऑर्डर संख्या लिखे विल बी क्रिएटेड विद इन 7 वर्किंग डेज टू क्रेडिट बैंक एंड रेफरल नंबर दैट्स आर सिलेक्टेड। अपडेटेशन का जो मुद्दा था पहले जो है डिलीवरी मैन ऐप में किसी कस्टमर का ईमेल एड्रेस का जो है उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। सो फ्रेंड्स वह मुद्दा सुलझ गया अभी इस अपडेट के बाद। सो आप इस ऐप में जो है अपडेटेशन का वह प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट अपडेट है वह है एनी ऑप्शन हैज बीन एडेड फॉर द PMGKY रिफिल फीडबैक। की PMGKY रिफिल फीडबैक के लिए एनए का ऑप्शन जोड़ा गया है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपके सामने यह एक प्रिंट आउट यहाँ भी शो कर रहा है और आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। यहाँ पे एक राइट मार्क है और एक क्रॉस मार्क और पास ही एक एनए का ऑप्शन है जिसमें आप रिफिल के जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स ये थे कुछ अपडेट्स जो कि एसडीएमएस में जो है दिए गए और उसकी इसी अपडेट के साथ जो है एक नया और पीडीएफ आया था साथ में वो छोटा था इसकी अपेक्षाकृत। सो उसमें जो है दो एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया था। पहली थी ये इसका नाम है इंडियन ऑयल बिजनेस एप्लीकेशंस। यह जो है इमेज लोगो है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप इसमें जो दी गई जानकारी इसमें जो बिजनेस ऐप के द्वारा आप मोबाइल नंबर को जो कस्टमर के मोबाइल नंबर होते हैं उसे आप इस ऐप के माध्यम से जो है जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें वो है इंडियन ऑयल वन ऐप। सो यह भी इमेज लोगो है। सो इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं जो आपके सामने एक नए फीचर के अनुसार दिख रहा है। बट मैंने फ्रेंड्स इस बात को गौर किया है कि यह ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है इसमें ऑलरेडी पेड का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जो है आने वाले टाइम में जो है सॉल्व हो जाएगा जो कि दिख नहीं रहा है पे का ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप में आप मोबाइल नंबर अपडेट के लिए ग्राहक की एलपीजी
संख्या को डालकर, आप उसके मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी के द्वारा, वेरिफिकेशन के द्वारा उसके मोबाइल नंबर को जोड़ा जा सकता है। अगर आपको एलपीजी आईडी निकालनी नहीं आती है या फिर आपको उसमें निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह सिस्टम जो प्रोसेस है उसका देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका सपोर्ट दिखाइए यार, और सेफ रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।